मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो चिंता मत करें, आज आप ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा व्लॉग, क्योंकि मेरा व्लॉग जो भी देखता है अच्छा हो जाता है। ये मैं वाइब्स सेंड कर रही हूँ आपको कि आप सारे अच्छे हो जाओ। सो मेरी क्लॉजेट में किस लिए हैं, मैं मेरी क्लॉजेट को डीक्लटर करना चाहती हूँ, पर फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो कोई और यूज़ कर सकता है। एंड कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे पीसेस भी हैं जो मैं चाहती हूँ कोई, मतलब कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सो डीक्लटर करना चाहती हूँ, पर आज नहीं होगा ज़्यादा कुछ, थोड़ा बहुत होगा, बाकी हम कल वाली वीडियो में ज़्यादा करेंगे हमारी डीक्लटरिंग का काम। एंड आपसे बातचीत करना चाहती हूँ मैं, मैंने लगा कि ही ना बहुत देर होगी कि ज़्यादा बातचीत नहीं की है। सो कहाँ से शुरू करें, शुरू करते हैं 2-4 महीने पीछे से। सो कुछ महीने पहले हमारा प्लान बना कि हम इंडिया जाते हैं, एंड एक्चुअली प्लान काफ़ी पुराना बन गया था, तो हम लोग चले गए इंडिया। इंडिया में काफ़ी मज़ा किया हमने। हम इस बार सोच के गए थे कि हम लोग ज़्यादातर घर में नहीं बैठेंगे, आसपास घूम लेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास एनर्जी है आपको आसपास घूम लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत खूबसूरत है एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है, और लाइक पता नहीं फ्यूचर में कैसी ही हेल्थ होगी। तो हमने सोचा कि हम इधर उधर घूमेंगे। बहुत सारे व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं, वो सारे ही मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, पर इसके बारे में हमने बातचीत ज़्यादा नहीं की। सो इंडिया जाना है, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि इंडिया में जो मेरी बेस्ट मोमेंट्स हैं उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँ, पर अब वो सारी फुटेज मेरे से इधर उधर होगी, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर हो सकता है कि मैं फ्यूचर में कभी बता दूं, पर उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। इंडिया में मेरा सबसे ज़्यादा मज़ेदार था सदगुरु के आश्रम में जाना, उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आप सदगुरु के विचारों से सहमत करते हैं या उनके लिए इंटरेस्टेड है, वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो हम गए सदगुरु के आश्रम में, ईशा सेंटर में, ईशा सेंटर आश्रम में, वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और हम रहते हैं पंजाब में। पंजाब से इतनी दूर तमिलनाडु बहुत बिग डील थी। हम लोग प्लेन में गए थे ना, हमने सोचा था कि जब हम सदगुरु के आश्रम में रहेंगे अराउंड 5-6 दिन, उसके बाद हम आसपास घूमेंगे, तो हमने केरला घूमने का प्लान बनाया। अब मैं सोचती रहती थी कि केरला देखना, पता नहीं मैं इतनी इंटरेस्टेड थी केरला में या नहीं, पर मेरा मन करता था, हस्बैंड को कहती थी केरला देखते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं कुछ ऐसे बोल देती हूँ लाइक फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ और फुल ऑन ऐसे कि जैसे ये सच हो ही जाएगा, वो सच हो जाता है। सो मेरे साथ ऐसे हमेशा होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप कुछ बोलें अच्छा ही बोलें, क्योंकि पता नहीं आपके मुंह में सरस्वती कब विराजमान है और वो चीज़ सच हो जाएगी। सो ये करना चाहती थी मैं, और सिद्धू के पेरेंट्स से मिलना चाहती थी मैं, वो भी मैंने कर लिया। एंड आपको पता है कि वो मुझे कितना पसंद है, एंड उसकी डेथ से बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था। उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। उसके घर में विजिट करके मुझे कैसा लगा, उसकी मम को जब मैंने अंदर गले लगाया ना, बहुत शांति मिली मुझे लाइक, क्योंकि वैसे अभी तक भी जब उसका चेहरा आता है मेरी आँखें आंसू से भर जाती है, क्योंकि आई डोंट नो लाइक एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि वो डिज़र्व करता था ऐसे जाना या नहीं। सो दैट्स दैट। एंड और क्या है, सो उसके बाद हम दुबई में भी घूमे। दुबई मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा बिजी, बहुत ही ज़्यादा तेज एंड बहुत ही लग्जरी वाला शहर है वो, पर मैं थोड़ा मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, नेचर, ग्राउंडिंग, हम्बल, लाइक यू नो, मैनू भज दौड़, शो ऑफ, वड्डिया वड्डिया गड्डियाँ, वड्डे वड्डे लाइक फुल ऑन लग्जरी कपड़े, अच्छा ऐसे मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है। पर या फॉर फन इट्स वेरी नाइस कंट्री अगर आपको मज़ा करना है, बट नॉट अ बिग फैन। ये है मेरी छुट्टियों का जो भी हुआ। आपने ऑलरेडी शायद वो वीडियोज़ देखी होंगी, शायद आपने मिस कर दी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे घर की वीडियोज़ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाय द वे, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर से करें, क्योंकि मेरे उस पर आता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और इस वीडियो को लाइक करना एंड कोई भी कमेंट करना अगर आप मेरे साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने विचार आप मेरे तक पहुँचाते हैं। ऐसे सोल टू सोल कनेक्शन होता है, अगर आप मुझे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रहे हैं पर हमने कभी मैसेज नहीं किया, हम तुम्हें बहुत प्यार करते पर कभी मैसेज नहीं किया। क्यों नहीं किया, करो ना, फिर मुझे तभी पता चलेगा एंड मैनू आपका नाम पता चलेगा एंड फिर बहुत मज़ा आएगा मुझे, ज़रूर से करना वो। एंड उसके बाद घर में आके बहुत मज़ा आया, मैंने सोचा कि अब मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ बहुत देर तक, घर में रहूँगी। तभी हमें मैक्सिको जाना पड़ा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ रहा था। वो एक्चुअली कनाडा भी आ सकता था पर उससे वीज़ा का कोई पंगा था तो कनाडा नहीं आ पाया। एंड
हमें लगा कि वो हमारे इतनी नज़दीक आ रहा है, तो मैं उससे 11 साल से मिली भी नहीं हूँ, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आप देखना चाहें तो. तो फिर मैंने सोचा कि हमें चली जाते हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे पति ने सोचा. मैंने लगा कि यार कोई गल नहीं, इस बार मिलनी होगा क्योंकि हम इतना ट्रैवल करके आए, इतना थक गए हैं. तो हस्बैंड ने कहा कि यार तुम्हें मिला ही देता हूँ मैं उसके साथ. सो हम चले गए, पर बहुत मज़ा आया. उसकी बेटी इतनी प्यारी है, उसकी वाइफ इतनी प्यारी है, बहुत मज़ा आया वो ट्रिप में. आई थिंक 5-6 दिन के ट्रिप के लिए हम मैक्सिको चले गए. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं अब बिल्कुल ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ. तो सदगुरु की अगर वीडियो देखी ना, तो उसमें मैंने कहा था कि सदगुरु का हमें ना ग्लिम्स ही मिले थे आश्रम में, पर मैं सदगुरु को देखना चाहती थी मेरी आँखों के साथ, अपनी अखाँ के साथ. तो वो मुझे हो गया था, वो उस वीडियो में पूरी स्टोरी टाइम है, अगर आप देखना चाहें तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना मज़ा आया मुझे. सो इतनी दूर से सदगुरु को देख के ऐसे बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स. मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अब सदगुरु को मैंने देख लिया है, अब अगली बार जब भी मैं सदगुरु को देखूंगी ना, मैं उनके बिल्कुल पास होंगी, वो मेरे सर में हाथ भी लगा देंगे, मैं उनके पैरों को भी टच कर पाऊंगी. हस्बैंड कहने हाँ हाँ देखेंगे. सो वो मौका मुझे मिलने वाला है, क्योंकि सदगुरु के आश्रम टेनेसी USA में एक इन्फ्लुएंसर्स का इवेंट होने वाला है, जिनमें वो ऐसे पिक करते हैं जो लोग सदगुरु के साथ एक शाम बिता सकते हैं 4 to 8, 4 घंटे, एंड उसमें मुझे इनविटेशन आया है. तो अब उसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, उसका व्लॉग भी जल्दी आएगा फ्यूचर में. सो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. ऐसे पहली दूजी सीट पर बैठ के इतनी नज़दीक से मैं उनको देखूँगी, उनसे बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, एंड उनके साथ पिक्चर खिंचाने का मौका मिलेगा. वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट. और मैंने बताया था ना कि जब मैं ऐसे कुछ बोल देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. मेरी जब सच्चा सुच्चा दिल होता है ना, तो वो चीज़ आराम से मिल जाती है. सो ये है कन्वर्सेशन जो मैंने पास्ट में कुछ चला है, जो मुझे लगता है हमने बात नहीं की, और जो अब होने वाला है वो. अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बार में ज़रूर बताना. मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी क्या दुविधा है या कैसी परेशानियाँ चल रही हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करा करें. एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि इस धरती पे हम लोग आए हैं फुल फ्लज हमारी ज़िंदगी जीने के लिए. आपको पता है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें अभी हड्डियाँ दुखती रहती हैं. काफ़ी समय लगा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं बीमार हूँ, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. एंड मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मैं अपने आप को हील कर पाऊँ, उसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं. पर उसके साथ ये भी है कि ये जरा तरती मैनू समा मिला, बहुत लिमिटेड, पता नहीं 60-70 ईयर्स तक जीऊँगी मैं, तो उससे मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. हर मोमेंट को मैं जीना चाहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, दुनिया में प्यार फैलाना चाहती हूँ, लव कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो अपना बेस्ट देना चाहती हूँ मैं, और अपना हर मोमेंट को इंजॉय करना चाहती हूँ. इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी जिएं. बहुत ही टेंशन मत लिया करें चीज़ों की, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना फिलहाल, दे सपोज टू बी लाइक दैट. वो किसी और तरीके से हो ही नहीं सकती थी. एक्सेप्ट कर लें कि जो भी सिचुएशन आपकी है, मे बी आपको कोई डिजीज़ है या पैसे की कोई प्रॉब्लम है या और कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो वैसे ही होना था. एक्सेप्ट करें, और जो अब आपकी सिचुएशन है फ्यूचर में वैसी नहीं होने वाली है. आप हंसेंगे उस टाइम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेके कि यार क्या सोचता था मैं. सो ऐसी बातें हम और भी करते रहेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना. एंड अब मैं अपना और फालतू काम करूँगी, और मैं डिनर के समय पे आपको मिलती हूँ. मोस्ट प्रॉबली आज मैं बैंगन बनाने वाली हूँ. देखूँगी कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, अगर नहीं करूँगी तो फ्यूचर में कभी कर देंगे. क्योंकि रेसिपी शूट करना बहुत औखा काम है मेरे लिए, क्योंकि वैसे ही मैं कुक करती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ, हड्डियाँ दुखने लग जाती हैं मेरी, और फिर कैमरा को इधर रखो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है. कोशिश करूँ. ओके दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय. खूब सारा समय लगा के मैंने बहुत सारा गार्लिक छील लिया है, लाइक टेर, और उसको क्रश कर लिया है. अब हम इसको स्टोर करके रख देंगे ताकि लंबा समय तक चल पाए, और तड़का लगाने की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब गार्लिक होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम गार्लिक ही लगाता है. तो इसको हम ये कच्च के मर्तबान में रख देंगे. इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ मैं, ताकि ज़्यादा टाइम तक ठीक रहे. और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ स्टफ़ बैंगन. आज ना मैं बाज़ार गई थी तो ये इतने सोने बैंगन मुझे मिले ना, जैसे पिद्दे बेबी बैंगन, जो कि ऐसे लग रहा था कि अभी उन्होंने पेड़ से उतारे हों. और इसके तड़के के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा गार्लिक यूज़ करने वाली हूँ. बहुत ही अच्छा मैंने अनियन को काट लिया है बारीक, एंड ग्रीन चिली को, एंड मैं टमाटो की प्यूरी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है. चाय भी पी रही हूँ मैं साथ साथ,
एंड बैंगन को ना मैंने सिर्फ लून, हल्दी एंड लाल मिर्च डाल के रख दिया था। अब इसको मैं ना बहुत ही हल्के ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। दूसरे तरफ तड़के की तैयारी करेंगे। सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं बैंगन के टाइम पे हमेशा। थोड़ा सा जीरा ऐड किया मैंने, ये फ्रेश गार्लिक। अब इसमें अनियन ऐड करेंगे, अनियन को अच्छी तरह कुक कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ ताकि कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची एंड थोड़ी हल्दी। जब ये मसाला थोड़ा ऑयल छोड़ देगा तो मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी, मेरे हिसाब से जितनी मुझे अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंगन को भी ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे ताकि इवनली कुक हो हर तरफ से। एंड अब ये मसाला मेरा हो चुका है तैयार एंड बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया था। ये पानी का ये है कि बैंगन ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से बैंगन निकाल के ना सीधे मैं वो तड़के में डाल दूंगी। वो मुझसे ना फुटेज थोड़ी मिस होगी जब मैंने मसाला ऐड किया था। अब हम इसको ना कवर करके कुक करेंगे थोड़ा। एंड जब ये मसाला पूरा सूख जाता है ना, फिर मैं थोड़ा और पानी ऐड कर दूंगी एंड अराउंड 5-6 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे। इसमें बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे और वो पूरा मसाले का फ्लेवर ना पी लेंगे, पूरा फ्लेवरफुल हो जाएंगे। अब ये देखिए पूरा रेडी है खाने के लिए। ऐसे बना के देखना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये खाना सर्व कर देते हैं पति परमेश्वर को। बढ़िया बैंगन बहुत करे थी दादी, पता नहीं मैं कितने बढ़िया कर्म किए। मैं पता बहुत बैंगन खाओ प्लीज, कैमरे लिए नहीं मेरे लिए। और मिर्च दा अचार अज थोड़ा ज्यादा रेडी हो गया कल ना। बैंगन दे बिल्कुल ही शुक्शुका शुक्शुका इन्हें मैं ढाबे वांगू जिदा पहला बनाते ही ना पौधा बनाया अच्छा बहुत। सो अब बनाएंगे फुलके और परिवार को खिलाते जाएंगे जबरदस्ती एंड मेरे फुलके। देखो कितने क्यूट है। थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाएंगे, हस्बैंड को ना देसी घी काटी चंगा लगता है तो थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ मैं। और फिर मैं भी पति के साथ गपशप मारते हुए खा लूंगी टेड पार के। सफाई का समय हो गया। सफाई नहीं ना मुकदी नहीं, इतनी सफाई इतनी सफाई। We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. We go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said that we're over, hands under covers alone. Okay,
सेटअप तो वही है। मैंने सोचा कि आउट्रो कर देते, कि बहुत बार मैं आउट्रो करना भूल जाती हूँ। सो किचन की क्लीनिंग चल रही है दोस्तों, ये मेरा पता नहीं, मैं दिन में 50 बार करती हूँ और ऐसे लगता है कि बस होने तक काम खत्म ही हो गया, पर फिर 10-15 मिनट बाद ऐसे ही हो जाता है। तो यार ये तो कहानी घर घर की चलती ही रहेगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को थम्स अप देना, थम्स अप से मुझे पता चलता है कि वीडियोस आपको अच्छी लगती है या नहीं। कमेंट में कुछ भी बताना, कुछ भी अपने बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में और दोस्तों के बारे में। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी है नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी, बाय, लालू।